आप सबको जय मसीह की। आज की सुंदर सुबह के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने कल रात भर हमें संभाला और एक नई सुबह को प्रभु ने हमारे जीवन में दिया। इस बात के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। तो आइए हम आज की सुबह में परमेश्वर के जीवित वचन से पढ़ें और उसका धन्यवाद करें। भजन संहिता 59 का 16 पद में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, परंतु मैं तेरी सामर्थ का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। आमेन। सच में हमारा परमेश्वर करुणामय परमेश्वर है, जय जयकार के योग्य परमेश्वर है और हमारा ऊंचा गढ़ परमेश्वर है कि जो हमें संकट के समय सहारा देता है, हमारा शरण स्थान ठहरता है। और सच में वो परमेश्वर सामर्थ्य है और सच में हम उसके यश के गीत गाएं, उसका जय जयकार करें, क्योंकि जय जयकार और आदर के योग्य सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। तो आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर समय के लिए, आज की सुंदर सुबह के लिए पिता, कि आपने रात भर संभाल कर प्रभु एक नई सुबह को हमारे जीवन में जोड़ा यीशु। इस बात के लिए मेरे पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप सामर्थ्य हैं प्रभु, अनुग्रहकारी हैं प्रभु, दयालु हैं, भले हैं, सीधे हैं परमेश्वर पिता। और प्रभु परमेश्वर आपने प्रभु हमसे अगापे प्रेम किया है यीशु। धन्यवाद प्रभु आपके अगापे प्रेम के लिए यीशु मसीह। आप सच में महान है पिता परमेश्वर, आप बहुत प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक जन जो इस प्रार्थना को सुन रहा है परमेश्वर पिता, आज की सुबह में प्रभु हम हर एक जन को तेरी उपस्थिति में रखते हैं प्रभु। हर एक की आप सुधि ले प्रभु, छोटे से लेकर बड़े तक में परमेश्वर हर एक को तेरी उपस्थिति में रखते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी हर एक के परिवार के लिए हम तुझसे दुआ करते हैं प्रभु जी, कि प्रभु हर एक के परिवार को पिता आप अपनी सामर्थ्य दे प्रभु जी। यदि वो अपने आप को निर्बल महसूस करते हैं तो प्रभु आप अपनी सामर्थ्य को उनके हर एक क्षेत्र में दे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक के संकट के समय परमेश्वर उनके शरण स्थान ठहरे परमेश्वर। आप उन्हें सहारा दे प्रभु, आप उन्हें प्रोटेक्शन दे प्रभु, हर एक नजर से, हर एक विपत्तियों से, हर एक मुश्किलों से, हर एक कलेश से, हर एक दरिद्रपन से परमेश्वर पिता आप हर एक को छुटकारा दे, हर एक को प्रभु जी की मदद सहायता करे परमेश्वर पिता। प्यारे पिता आपकी करुणा हर एक के जीवन में आए, आपकी दया हर एक के जीवन में आए। आज का पूरा दिन पिता हम आपके हाथों में देते हैं कि आपकी उपस्थिति हम हर एक के साथ में मांगते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आज की सुबह में जो भी कोई अपना नया काम शुरू करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, आप अपनी करुणा, अपनी दया को, अपनी सामर्थ्य को हर एक पर उंडेले प्रभु जी। पिता परमेश्वर जो प्रभु परमेश्वर अपने न्यू जॉब के लिए प्रभु इंटरव्यू देने जा रहा है परमेश्वर, यीशु मसीह आप उन्हें अपनी सामर्थ्य दे, आप अपनी करुणा दया उन पर रखे, आप उनके संग में होइए परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन हम प्रार्थना करते हैं हर एक प्रभु, प्रभु जी उनकी चिंताओं को आप दूर करें, उनके संकट को आप दूर करें प्रभु, उनके रिश्ते जो नहीं बन पाते हैं यीशु मसीह के नाम से वो आज से बनने लगे पिता परमेश्वर। प्यारे पिता आप उनके लिए अच्छे राइट लाइफ पार्टनर को दीजिए परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हर एक के परिवार में आप मेल मिलाप का आत्मा दे प्रभु, भलाई करने वाला आत्मा दे परमेश्वर पिता, और एक दूसरे को प्रभु लोग सम्मान की नजरों से देखे प्रभु, ऐसा आप हर एक के जीवन में करें प्रभु जी। पिता अगर परिवारों में प्रभु एक दूसरे के प्रति मन मुटाव है यीशु मसीह, वो मन मुटाव दूर हो जाए यीशु के नाम से। प्यारे खुदावन हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो अपने आप को प्रभु निर्बल महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, जो अपने आप को बीमार और प्रभु बिल्कुल प्रभु असहाय महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए तेरी सामर्थ्य को मांगते हैं प्रभु कि आप अपनी सामर्थ्य से हर एक को भरे परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु जिन पर गलत आरोप लगाए गए हैं, जिन्हें बहुत इंसल्ट किया गया है परमेश्वर पिता, और खुदावन यीशु मसीह उन्हें सम्मान दिलाए परमेश्वर।
परमेश्वर पिता, जो प्रभु अपने कार्यों में असफल हो जाते हैं परमेश्वर, आप उन्हें आज के दिन में सफल करें परमेश्वर पिता। जो अपने कर्जे को नहीं चुका पा रहे प्रभु, आज के दिन में परमेश्वर आप उनको उनके कर्जे, आप उनके लिए उनके कर्जों को चुकाए परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो आज एग्जाम देने जा रहे यीशु मसीह, आप उनके एग्जाम को करने के लिए सामर्थ्य दें, आप अपनी बुद्धि से भरे परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य को उन्हें दे परमेश्वर, अपनी करुणा दया को उनके जीवन में दीजिए परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन, जो माँ बाप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए टेंशन में है प्रभु, हर एक बच्चे को, हर एक माँ बाप जो चिंतित है प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु उनके बच्चों के फ्यूचर को हम प्रभु ब्लेस करते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह आप उन्हें सिक्योर करें परमेश्वर पिता। प्रभु आज की प्रभु पूरे दिन भर में हर एक जन को आप हर एक दुर्घटना से बचाएं प्रभु, आप हर एक को जानलेवा बीमारी से बचाएं परमेश्वर पिता। यदि प्रभु जी आज प्रभु परमेश्वर कोई भी प्रभु बीमार है तो पिता आप अपनी चंगाई भरे हाथ को अभी बढ़ाइए प्रभु, और हर एक को आप चंगा करें परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं प्रभु, और प्रभु उनके लिए फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है चल रहा प्रभु, आप अपने स्वर्गीय भंडार से हर एक के लिए फाइनेंस की व्यवस्था करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो आपके नाम से भले कामों को करने जा रहे हैं प्रभु, आप उनके कामों को बनाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इन सब को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हर एक को आप अपने सुरक्षा दायरे में रखे, दिन भर संभाले परमेश्वर पिता, शैतान की युक्तियों से बचाए परमेश्वर पिता। प्रभु हर एक बात को आपके हाथों में सौंपते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को उत्तर हाँ और आमीन में दिया, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।